हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, अभी NTPC की तैयारी हम करा रहे हैं, आप जानते ही हैं, और बायोलॉजी लाइफ साइंस की दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है। 13 पार्ट मेरे आ चुके थे, ये मेरा 14वां पार्ट है, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। दोस्तों ये भी एक अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन अक्सर इसमें से आते हैं, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 14, नेचुरल इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, जो इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल किसे बोलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, और एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। देखिए, द इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग सराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मिला के पूरा इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर के बगल हमारा गार्डन है। ओके फ्रेंड्स, हमारा शहर है, दुकानें हैं आसपास, मान लो पहाड़ हैं, नदियां हैं, है ना, हवा है, मिट्टी है, सूरज की रोशनी है, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सब जो आसपास हमारे दिख रहा है, ये सब दोस्तों क्या है, इन्वायरमेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो कि मतलब कि आर्टिफिशियली नहीं, हमारे अर्थ के अर्थ में जो नेचुरली आई हैं, प्राकृतिक द्वारा आई हैं, वो सब मिला के नेचुरल इन्वायरमेंट है। जैसे देखिए, हवा, पानी, ओके फ्रेंड्स, ये सब क्या है, ये सब जो है नेचुरल है, है ना। तो जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया, वो नेचुरली जो है, जो आई है, वो सब जो आसपास हमारे दिख रहा है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, तो वो सब मिला के दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। देखिए, ऐसे ये नदी है, है ना, सनलाइट है, प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, आपको घासें दिख रही हैं, तो ये सब मिला के दोस्तों क्या है, ये सब पूरा इन्वायरमेंट है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्रॉ देयर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आप जानते ही हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस दुनिया पर जी रहे हैं, इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, उनको खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में भाई हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम हैं, सपोज करिए दोस्तों, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड है, जैसे हम प्लांट पे डिपेंड है, हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह जो हमें प्लांट से मिलती है, हम और भी जानवरों पे डिपेंड है, जैसे कि मीट, मछली हो गई, फिश हो गए, ये भी हम खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम अपना एग्जांपल दिए थे कि हम क्या है, प्लांट्स पे भी डिपेंड हैं और हम एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं, तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और क्या इन्हीं पे डिपेंड है, नहीं दोस्तों, हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, हवा से। क्या वो लिविंग थिंग है, नहीं, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे हम मिट्टी है, वो भी क्या है, हम उस पर भी डिपेंड है, क्योंकि उसी पे हम अपनी फसल उगा रहे हैं। पानी है, पानी क्या लिविंग थिंग है, नहीं, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, ऊपर साथ साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे इन्वायरमेंट, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, एन इन्वायरमेंट इन विच लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड आल्सो इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। सबसे पहले जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया था दोस्तों, AG ट्रांसलिन लाया था 1935 में, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड, समझ गए ना आप लोग। देखिए, ये जैसे लिविंग थिंग है, है ना, ये देखिए पानी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, है ना, अभी पेड़ क्या है, लिविंग थिंग है, है ना, हवा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। चाहे देखिए पेड़ हो, पेड़ अपनी सांस कहाँ से ले रहा है, पेड़ जो है CO2 ले रहा है, तो ये डिपेंड है हवा पे, तो ये भी इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दोस्तों का वर्गीकरण मेनली दो पार्ट्स में होता है, एक मैन मेड इकोसिस्टम और एक नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड देखिए जैसे क्या होता है, जैसे आपका घर में एक्वेरियम होगा, जैसे मछली वगैरह रह रही है, तो उसमें क्या है, उसमें आप ऑक्सीजन डालते हो, एक आर्टिफिशियल अपने ग्लास का वो कवर लिया, उसमें पानी डाला, है ना, उसमें कुछ पत्थर डाले, है ना, कुछ और चीज़ें डाली, तो वो क्या है, आपने खुद क्रिएट किया है वो इकोसिस्टम, है ना, तो उसे कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कोई तालाब है,
तालाब कोई नेचुरल तो है नहीं, तालाब आपने बनाया है, तो वो क्या हुआ दोस्तों, वो भी क्या हुआ, मैन मेड इकोसिस्टम हुआ। या आपकी आपका कोई खेत है, आपने उस खेत को खुद बनाया है, तो वो भी क्या है दोस्तों, मैन मेड इकोसिस्टम है। लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, इसमें दो क्राइटेरिया हैं, एक एक्वेटिक जो पानी संबंधित है और एक टेरेस्ट्रियल जो जमीन संबंधित है। देखिए जैसे मैरीन इकोसिस्टम, एक्वेटिक में देखिए मैरीन जैसे कि आपका ओशन, समंदर है, सी है ना, महासागर है, यहाँ जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है ये नेचुरल बन रहा है, तो वो जो है मैरीन इकोसिस्टम हुआ, क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे आपकी नदियाँ हैं, ये भी नेचुरल आई हैं, आपकी लेक्स हैं, है ना, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखिए जैसे जंगल हैं, है ना, रेगिस्तान है, ग्रासलैंड है, ये भी दोस्तों क्या है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम था, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए दो भागों में बांटा जाता है कंपोनेंट्स, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब किसी इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक में एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक में आते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है, और बायोटिक में वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है दोस्तों, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें जान होती है, और जिनमें जान नहीं होती है वो होते हैं एबायोटिक। देखिए ऐसे ये आपकी सनलाइट क्या है, कोई जान है नहीं ना, आपका रेन बारिश हो रही है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है किसी एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक में क्या है देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए, हर्बीवोरस वोर्स हो गए, पता चुका हर्बीवोरस कार्निवोरस ओमनिवोरस क्या होता है, लिट्रीवोरस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब क्या है दोस्तों, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइफ होती है। अब देखिए दोस्तों जैसे ये मैं आपको एग्जांपल करके दिखाया हूँ, एबायोटिक फैक्टर्स में देखिए जैसे एयर है, लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, गैसेस हैं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। वाटर है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए प्लांट्स है, ये एनिमल है ना, ये छोटे छोटे ग्रासेस दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है दोस्तों प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और रिड्यूसर्स। ओके फ्रेंड्स, बायोटिक में प्रोड्यूसर में ज़्यादा प्लांट्स आएंगे, उन प्लांट्स को जो खाते हैं उसे बोलते हैं कंज्यूमर्स, और फिर जो कंज्यूमर्स मरते हैं तो उनको जो मतलब कि ख़त्म करता है उसे बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर बहुत ज़रूरी है, जिनको डिट्रोवायरस भी कहते हैं, बेसिकली जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसको सड़ाते हैं ताकि जो है वो इन्वायरमेंट से ख़त्म हो सके, और दोबारा जो मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं और फिर वहाँ से एक प्लांट हो जाता है, तो ये पूरी फूड साइकिल अभी आगे आएगा। कंज्यूमर में दोस्तों तीन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, जो डायरेक्ट इन प्रोड्यूसर को खाता है उसे बोलते हैं, प्लांट्स को खाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि जो इनको खाता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और टर्शियरी कंज्यूमर जो इनको भी खा लेता है उसे बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपका हिरन है, जैसे आपका समझ लीजिए बकरी है, तो इस बकरी को बकरी ने क्या खाया, प्लांट को, तो बकरी होगी प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे मान लो कोई लोमड़ी है, उस बकरी ने, उस लोमड़ी ने बकरी खा लिया, तो वो लोमड़ी क्या होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर टर्शियरी जो शेर है, उस शेर ने लोमड़ी खा लिया, तो लोमड़ी शेर क्या होगा, टर्शियरी कंज्यूमर। सिंपल सब देखिए ये जैसे प्लांट्स है, इसको चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने चूहे को खा लिया, और इस सांप को नेवले ने खा लिया, किसी बाज ने खा लिया, तो ये क्या होगा दोस्तों, इस तरह से ये पूरा चेन है। अब इस टर्शियरी कंज्यूमर जो ये मरता है तो इसको खा लेते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, डिकम्पोज करते हैं, और जब ये मिट्टी में जाके फिर यहीं से दोस्तों प्लांट आ जाता है, तो ये पूरी फूड साइकिल चलती है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, प्लांट्स सबसे जो सोर्स है दोस्तों वो क्या है, सन है, क्योंकि सन की एनर्जी ही प्लांट में कन्वर्ट हो रही है और फिर इसके बाद यहाँ पर जा रहा है, तो अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है, फिर सन से स्टार्ट होता है फिर प्लांट्स में। ओके फ्रेंड्स, प्लांट्स जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं प्लांट्स, क्योंकि एनर्जी यहीं से प्रोड्यूस हो रही है। देखिए दोस्तों फूड चेन, फूड चेन बेसिकली क्या है कि कैसे जो है फूड जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जो एक एक लेवल होता है उसे बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। देखिए ऐसे ये प्लांट्स है, सन की एनर्जी पहले कहाँ कन्वर्ट हुई, प्लांट्स में, फिर प्लांट्स को मान लो इस ग्रास हॉपर ने खा लिया, चड्ढे ने खा लिया, तो ये हो गया, इस ग्रास हॉपर को देखिए ये फ्रॉग ने खा लिया है ना, फिर इस फ्रॉग को एक स्नेक ने खा लिया, सांप ने, और फिर सांप को नेले ने बाज ने खा लिया, और फिर ये बाज जब मरा तो इसको डिकम्पोजर ने खा लिया, और फिर यहीं से चालू गए प्लांट्स, तो एक पूरी चेन होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फूड चेन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फूड चेन को दो तरीके में डिवाइड करते हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है डिट्रेस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, ये जो फूड चेन होती है स्टार्ट होती है प्लांट्स से, ध्यान रखिएगा,
ये जो फूड चेन होती है स्टार्ट होती है प्लांट से, और डिटेरेटस फूड चेन जो होती है स्टार्ट होती है कहाँ से, डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है। ये मेन डिफरेंस होता है इसमें, डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में दो होते हैं, एक जो ज़मीन पर होता है और एक जो पानी में होता है। देखिए ये टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे, देखिए घास है ज़मीन पे, घास ये मैं बता दें ग्रास ओपर ने खाया, फिर ग्रास ओपर को मान लो स्नेक ने खा लिया, सांप ने, फिर सांप को देखिए बाज ने खा लिया, और फिर बाज जब मरा तो इसको फंजाई ने ख़त्म कर दिया, और यहीं से दोस्तों प्लांट दोबारा हो गया। तो ये दोस्तों क्या कहला रहा है, पूरी चेन है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए प्लांट से स्टार्ट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम देखिए फाइटो प्लैंक्टॉन से स्टार्ट होती है। फाइटो प्लैंक्टॉन दोस्तों होता क्या है, जो आपने कभी गौर किया होगा डिस्कवरी या नेचरोग्राफी चैनल पर, ये जो समंदर में दोस्तों जो प्लांट तैरते रहते हैं पानी के ऊपर उसे बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टॉन। तो फाइटोप्लैंक्टन को तो दोस्तों खत्म करता है जूओप्लैंक्टन, फिर इसको छोटी मछली खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तरह से फूड चेन दोस्तों ये स्टार्ट होती है। तो ये फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, लेकिन स्टार्ट होती है प्लांट से ही है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन अल्टीमेटली प्लांट ही होता है। डेटरेस फूड चेन जो स्टार्ट होती है दोस्तों ध्यान रखिए डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। तो मान लो कोई डेड ऑर्गेनिज्म या डेड पत्ती है उसको खाएगा ये अर्थवॉर्म, ओके फ्रेंड्स उसको खाएगा ये अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म को फिर खा लेगा ये छोटा सा जानवर। तो ये जो स्टार्ट हुई अंतर क्या है कि जो डेटरेस फूड चेन होती है ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिज्म से। ये देखिए अंतर क्या है, ये स्टार्ट हो रही है दोस्तों प्लांट से, ये स्टार्ट हो रही है डेड लीव से। ओके फ्रेंड्स, अब फूड वेब, देखिए एक्चुअली में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम रियलिटी की बात करें फूड वेब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस प्लांट को केवल ये ग्रास ऊपर ही खा रहा है, हो सकता है इस प्लांट को ये रेबिट भी खा ले, है ना, मतलब कि खरगोश, और फिर हो सकता ये जरूरी नहीं कि इस जो है ग्रास ऊपर को केवल चिड़िया खा रही है, हो सकता है इसको कोई और चिड़िया खा ले, हो सकता है इसको कोई चूहा खा ले। तो ये जो फूड चेन होती है ये इंटरकनेक्टेड होती है, तो सारी फूड चेन का जो इंटरकनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं फूड वेब। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। इकोसिस्टम में बेसिकली एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, मतलब कि जो एनर्जी हो रही है वो कैसे प्लांट से ट्रांसफ़र होके सारे इकोसिस्टम में जा रहा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की, एनर्जी फ्लो कैसे होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है प्लांट्स की एनर्जी को ही कंज्यूम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड दस इन अ फूड चेन एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि मान लो प्लांट्स है ना, उस प्लांट्स को कंज्यूमर खा रहा है, तो एनर्जी प्लांट से कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखिए ये एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है ना, ऐसा नहीं है कि प्लांट को मान लो किसी खरगोश ने खा लिया तो उसकी एनर्जी फिर से प्लांट में जाएगी, ऐसा नहीं, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि जो एनर्जी होगी वो फ्लो करेगी इस तरफ, एनर्जी वापस नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे लॉस्ट होती है, तो राजस्थान के एलडीसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि एनर्जी जो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो हमने कहा दोस्तों केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देखिए सन से एनर्जी गई प्लांट्स में, अब प्लांट्स में जो भी एनर्जी कंज्यूमर में गई ठीक है, तो केवल 10% एनर्जी ही कंज्यूमर में जाएगी, बाकी सारी एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाएगी, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, फिर जो जितनी एनर्जी यहाँ बची उसकी 10% आगे जाएगी, बाकी 90% लॉस्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से दोस्तों एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। देखिए जैसे यहाँ मान लो कि 1000 यूनिट्स एनर्जी की थी, तो प्राइमरी कंज्यूमर पहुँचेगी 100 पहुँचेगी केवल 10%, उसके बाद फिर 10 पहुँचेगी, उसके बाद 1 पहुँचेगी, तो इस ऐसे दोस्तों केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की, इंपॉर्टेंट है। देखिए तीन तरीके के न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, मतलब कि साइकिल वो चीज़ होती है जो कहीं से आई तो दोबारा कहीं ना कहीं वो उसको वापस लौटना है ना, तो कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है। क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के स्टनो में एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है कि उसने बताया कि इनमें से कौन सी जो है वो है एलिमेंट है जो न्यूट्रिएंट साइकिल में भाग नहीं लेता, तो उसमें नाइट्रोजन था, कार्बन था, फास्फोरस था और पानी था। ध्यान रखिए इसका आंसर है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस न्यूट्रिएंट साइकिल में भाग नहीं लेता, नाइट्रोजन, कार्बन और वाटर साइकिल भाग लेता है। कार्बन साइकिल दोस्तों आप जानते ही हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है वो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर आप जानते हैं कि ये CO2 कौन ले लेता है, प्लांट्स, फिर प्लांट्स
में चला गया वो CO2 के फॉर्म में एनर्जी, है ना। फिर इस CO2 दोस्तों फिर क्या होता है, कंज्यूमर खा लेते हैं, फिर कंज्यूमर मरते हैं तो उसको डिकम्पोजर खा लेते हैं, फिर डिकम्पोजर के बाद दोस्तों वो जानते हैं वो कहाँ चला जाता है, सॉयल में चला जाता है, या फिर प्लांट्स जब मरते हैं या एनिमल्स जब मरते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, सॉयल्स में। फिर हज़ारों करोड़ों सालों तक जो दबे रहते हैं दोस्तों उसी कार्बन से बन जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, है ना। तो आप जानते हैं जब उनको हम जलाते हैं तो फिर से वो उसमें से CO2 निकलता है और इसी तरह से दोबारा इसमें CO2 एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जो एटमॉस्फेयर से CO2 प्लांट्स में आया था, एनिमल्स में आया था, वो दोबारा जो है कोयले और तेल में कन्वर्ट हो गया और फिर वो दोबारा जलने के बाद फिर से वो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये पूरी एक कार्बन साइकिल है। इम्पॉर्टेंट देखिए समझिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है दोस्तों वो बेसिकली क्या है, अमोनिया है, है ना। अमोनिया ज़्यादातर जो है होता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो अमोनिया होता है बेसिकली आप ये समझिए, सॉरी, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। बेसिकली हमारे जो मिट्टी होती है, सॉयल होती है, उस सॉयल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है, सॉयल्स होती हैं, है ना, सॉयल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन, उसको प्लांट्स करते क्या है, उसको प्लांट्स जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जिसमें प्लांट्स जो है इस नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन कंपाउंड, मतलब कि अमीनो एसिड भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, उसमें कन्वर्ट कर दिए। उसी तरीके से ये एनिमल्स जब प्लांट को खाते हैं तो आप जानते ही हैं कि एनिमल में जब डाइजेस्ट सिस्टम होता है तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है और वो प्रोटीन फिर टूट के यूरिया और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एक्सक्रेशन होता है तो वो यूरिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से वो भी जो है दोस्तों क्या हुआ, एनिमल्स ने भी उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। तो जो नाइट्रेट्स है, है ना, इसको प्लांट ने और एनिमल दोनों ने नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो बना, इसको नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होती हैं, जिसे नाइट्रोसोबैक्टर या नाइट्रोसोम कहते हैं, ये दोबारा इसको जो है इस नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रेट में चेंज कर देती हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और फिर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है इस नाइट्राइट को दोबारा जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जैसे प्लाज्मोडियम, क्लोसिडियम, ये बैक्टीरिया जो है उसे दोबारा जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, कैसे वो दोबारा साइकिल में आके दोबारा वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए दोस्तों इसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके फ्रेंड्स, वाटर साइकिल तो आप जानते ही हैं कि पानी भाप बनता है, भाप बन के बारिश में कन्वर्ट होता है, बारिश से फिर से पानी बन जाता है। तो वाटर साइकिल तो आप जानते ही बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रेंड्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में एक बार काफ़ी इसके बस डिफिनीशन ध्यान रखिए, कभी कभी डिफिनीशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखिए म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करें और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो तो उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। जैसे आप और आपके दोस्त हैं, दोनों जो है एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो आपस में साथ में काम कर रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो उसे बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। कमर्शियलिज्म क्या होता है, जिसमें एक को तो फ़ायदा हो और एक को कोई फ़र्क ना पड़े, है ना, तो उसे बोलते हैं कमर्शियलिज्म, है ना फ्रेंड्स। जैसे आप कोई ऐसे काम करें जिससे दूसरे को तो फ़ायदा हो लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, है ना। जैसे आप किसी को भीख देते हैं तो उससे क्या हो रहा है, उसको तो फ़ायदा हो जा रहा है लेकिन एक रुपए से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कमर्शियलिज्म। बिल्कुल मैं एग्जांपल मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। पैरासिटम में आते ही हैं, पैरासिटम में होता है कि एक आदमी को तो फ़ायदा होता है लेकिन एक आदमी को नुकसान होता है। जैसे होता क्या बताया ना, जैसे मच्छर है, मच्छर क्या हो गया, आपको काट लेगा, तो उसको मच्छर को तो फ़ायदा होगा लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिम्बियोजियम क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्लोजली इंटरेक्ट रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, आपस में क्लोजली रहते हैं और साथ साथ काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं सिम्बियोजियम। ओके फ्रेंड्स, जैसे सपोज करिए फूल है ना, फूल, तो जो मधुमक्खी होती है वो कैसे फूल को उठाती है, रस चूसती है, तो उस रस चूसने के फॉर्म में करती क्या है कि दूसरे जो है प्लांट में वही जाके छोड़ती है, तो उससे क्या होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलता है, तो उससे बोलते हैं सिम्बियोसिस। ओके फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब पार्ट 14 था और इसी के साथ हम जो है अगला पार्ट आएगा जो कि मेरा फाइनल पार्ट होगा, उसके बाद बायोलॉजी हमारा खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।